हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो चले आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर एटम, और उसमें हम आज बात करने वाले हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? चलो देखो ध्यान से यहां पर क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 तक था आपका वेरी शॉर्ट, अब हम शुरू करेंगे 19 क्वेश्चन से। ध्यान देना आप लोग यहां पर, पॉजिट्रॉनियम इज जस्ट लाइक अ हाइड्रोजन एटम विद द प्रोटॉन रिप्लेस बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द पॉजिट्रॉन विच इज एज मासेसिव एज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, चलो आगे पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम बात करेंगे एक एक करके। वॉट वुड बी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम, पॉजिट्रॉनियम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है अपन को। अब देखते हैं पहले कि यह पॉजिट्रॉनियम होता क्या है। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। हम कहते हैं पॉजिट्रॉनियम इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, पॉजिट्रॉनियम इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होता है पॉजिट्रॉनियम, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है, या ये बोल ले कि पॉजिट्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब तुम बोलोगे सर हमें इलेक्ट्रॉन तो पता है लेकिन यह पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो सुनना ध्यान से, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है कि नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान देना, मैं लिखता हूं इस बात को। ठीक है, देखो पॉजिट्रॉनियम इज द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, ये जो आपका पॉजिट्रॉन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इसका मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलके बनता है आपका पॉजिट्रॉनियम। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, मुझे अगर निकालना है मास ऑफ पॉजिट्रॉनियम तो वो कैसे निकालेंगे, उसको जरा ध्यान से आप लोग सुनना। देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि पॉजिट्रॉनियम इज जस्ट लाइक अ हाइड्रोजन एटम विद द प्रोटॉन रिप्लेस बाय पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड पॉजिट्रॉन। मतलब यहां पर जो पॉजिट्रॉन बना है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज से ही, सॉरी, वो प्रोटॉन से ही बना है। देखो यहां पर प्रोटॉन रिप्लेस बाय पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल, तो यहां पर प्रोटॉन रिप्लेस हुआ है टू पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल में, मतलब यहां पर मास रिड्यूस हुआ है ना, ठीक है कि नहीं है? मतलब यहां पर जो पॉजिट्रॉनियम का मास निकालेंगे वो रिड्यूस मास होगा, क्योंकि आपका प्रोटॉन रिप्लेस हुआ है आपका एक पॉजिटिव एंटी पार्टिकल से। ठीक है, तो याद रखना आप लोग एक बात हमेशा, जब भी किसी एटम का रिड्यूस मास निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यह बात आप लोग हमेशा याद रखना। देखो सिंस रिड्यूस मास मान लिया मैंने उसको m, ठीक है, इज गिवन बाय 1/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम का अगर रिड्यूस मास निकालना है, यहां पर सिस्टम कौन है, पॉजिट्रॉनियम, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का रिड्यूस मास निकालना है, ठीक है, तो उस रिड्यूस मास का रेसिप्रोकल
किसके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा? जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, है कि नहीं? आप बताओ पॉजिट्रॉनियम के अंदर कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है? तो उन दोनों के मासेस के रेसिप्रोकल का सम रिड्यूस मास का रेसिप्रोकल होगा, है कि नहीं? तो किसी भी सिस्टम का अगर आपको रिड्यूस मास निकालना है, ठीक है, तो उस रिड्यूस मास का रेसिप्रोकल कौन से मास के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा? जो उनके अंदर हैं उनके मास के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, है कि नहीं? तो यहां देखो, यहां से मैं ये m कैलकुलेट करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इधर देखो 1/m। अब क्योंकि रिड्यूस मास हम निकाल रहे हैं पॉजिट्रॉनियम का, ठीक है, तो यहां पर m1 क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m2 क्या होगा? मास ऑफ पॉजिट्रॉन। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के ही उतना होता है, है कि नहीं? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, ठीक है? तो यहां पर बताओ 1/m1 को लिख रहे हैं अगर me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बताओ m2 को भी क्या लिखेंगे? me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो आप बताओ यहां से क्या कहानी होगी? आप देखो नेक्स्ट पेज में देखो, तो ये हो जाएगा आपका 1/m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/me, 1/me प्लस 1/me इज 2/me, ठीक है? तो यहां से बताओ m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? me/2, ठीक है? तो ये मिल गया अपन को पॉजिट्रॉनियम का मास, ठीक है? अब मुझे इस पॉजिट्रॉनियम का ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है। तो पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का अगर हम सिर्फ बात करें हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है ना अपन को, ठीक है? तो आप बताओ, ध्यान देना, सिंस ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज गिवन बाय E1। ना ग्राउंड स्टेट का निकालना है, मतलब n की वैल्यू 1, ठीक है? तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस ऑफ 2π² m k स्क्वायर e की पावर 4/ n स्क्वायर h स्क्वायर होगा ना, ठीक है? तो यहां देखो n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h स्क्वायर ना, है कि नहीं? और इंटू z स्क्वायर भी होता है यहां पर, ठीक है? तो z स्क्वायर है मतलब वो z की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? चलो, तो ये भी आपका 1 का स्क्वायर होगा, है ना, ठीक है? मैं यहां पर कंप्लीट फॉर्मूला ले लेता हूं। यहां पर E इज इक्वल टू क्या था आपका? माइनस 2π² एम के स्क्वायर इंटू ई की पावर 4/ एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ठीक है? तो यहां पर मैंने n की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, और z की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, बिकॉज हाइड्रोजन एटम है, ठीक? चलो, आप बताओ, जब हाइड्रोजन एटम का एनर्जी निकाल रहे हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो यहां पर जो m होता है वो e होता है ना, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ये, ठीक है? आप बताओ, जब तुम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो क्या ये आंसर आया था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? ठीक है, जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। अब मैं निकालूंगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके, ध्यान देना बस आप लोग, ये देखो, अब मैं निकालूंगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम, ध्यान देना आप लोग, यहां पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी
ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम, ध्यान देना आप लोग यहां पर, इसको भी मैं E1 बोल दूं लेकिन E1 डैश बोल देता हूं मैं, है ना, E1 मैंने शो किया हाइड्रोजन एटम के लिए, इसको मैं E1 डैश बोल देता हूं, ठीक है। अब बताओ ये होगा आपका माइनस 2 pi square, यहां पर m क्या होगा, मास ऑफ पॉजिट्रॉनियम, ठीक है, इंटू k² e^4 अपॉन, यहां होगा n² h² लेकिन यहां पर भी n की वैल्यू 1 ही लेंगे बिकॉज ग्राउंड स्टेट का निकालना है अपन को, तो 1² into h² और यहां पर भी z की वैल्यू 1 ही लेंगे हम लोग क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक आइटम है, ठीक है कि नहीं है। चलो तो यहां पर भी 1 का स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान से आप लोग इधर देखो, E1 डैश इक्वल टू, क्या मैं इस m को लिखूंगा Me/2, निकाल चुके हैं ना मास ऑफ पॉजिट्रॉनियम, Me/2, ये देखो Me/2 पुट करेंगे अपन यहां पर, ध्यान देना, तो यहां देखो -2 pi square, ये हो जाएगा Me/2 k² e^4 अपॉन, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। अब आप देखो ध्यान से, ये 2 को कैंसिल मत करना, अब आप देखो यहां पर 1/2 को बाहर ले ले क्या, ठीक है, तो ये बताओ कितना होगा -2 pi square Me k² e^4 अपॉन h² है कि नहीं। और आप बताओ ये जो आपका आंसर आएगा ये 13.6 आएगा ना माइनस में, है कि नहीं। अरे ये तो हाइड्रोजन आइटम का होगा ना ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो भी जो कि अपने निकाल लिया अभी यहां पर -13.6, ठीक है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो यहां देखो ये हो जाएगा E1 डैश इज इक्वल टू 1/2 ऑफ E1, ये हमारा E1 होगा ना E1, ठीक है। चलो और ये कितना निकाला था अभी अपन ने, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, तो यहां पर 2 को कैंसिल कर दो, ये देखो 2 से कैंसिल हो गया ये, तो ये हो गया 2616.8, तो यहां पर E1 डैश की वैल्यू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये होगा आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉनियम, ठीक है। तो यहां पर जो याद करने वाली बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि कभी भी अंदर अगर कोई पार्टिकल में हेरफेर होता है तो उसके मास पे असर आता है उस पूरे एटम के, ठीक है। तो जब भी रिड्यूस मास निकालना हो तो फॉर्मूला याद रखना आप लोग, रिड्यूस मास का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल मासेस, मतलब जो भी उस सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उनके मास के रेसिप्रोकल का सम, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दें आप लोग यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान देना आप लोग यहां पर क्या बोलता है वो, assume that there is no repulsive force between the electrons in an atom but the force between positive and negative charges is given by Coulomb's law as usual, ठीक है। मतलब यहां पर क्या बोला assume करने के लिए कि कोई repulsive force नहीं है between electrons in an atom, मतलब अगर एक से ज्यादा electrons हैं atom में, ठीक है, तो उनके बीच में repulsive force होता है लेकिन हमें यह एज्यूम करना है कि उनमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है, है कि नहीं, ठीक है। चलो और मालूम यह इसलिए एज्यूम करना है ताकि हम बोहर्स मॉडल लगा पाए, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बोहर्स मॉडल जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके बीच में आप रिपल्सिव को एज्यूम नहीं करोगे, है ना। मतलब यहां पर अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा उनके बीच में लेकिन वो अपन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि अगर वो रिपल्शन काउंट करोगे तो बोहर मॉडल नहीं लग पाएगा,
है कि नहीं? ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर। लेकिन फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय कूलम्स लॉ एज यूजुअल, है ना? मतलब जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कूलम्स लॉ से निकालते हैं वो तो निकालेंगे ही, क्योंकि वही तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स देगा, है कि नहीं? और आप बोहर्स मॉडल की फॉर्मूला निकाल पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अंडर सच सर्कमस्टांसेस कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब इस सर्कमस्टांसेस में अपन को हीलियम एटम का निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, हीलियम एटम का। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, उसने हीलियम एटम बोला है ना? इसमें आयोनाइज हीलियम नहीं है कि एच ई प्लस हो, क्योंकि बोहर्स मॉडल जो है ना वो एच ई प्लस पे एप्लीकेबल होता है, एच ई पे एप्लीकेबल नहीं होता, है कि नहीं? क्यों ऐसा? क्योंकि एच ई होगा तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं? और दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनमें भी रिपल्शन होगा, ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल फोर्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब लग पाएगा बोहर मॉडल। लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर उसने बोल दिया ना कि भले एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप रिपल्सिव काउंट मत करो, तो ठीक है भाई, नहीं कर रहे हम काउंट यहां पर रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स काउंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, मतलब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की तरह ही मानेंगे इसको हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, मतलब बोहर्स मॉडल लगा सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर। अब बताओ, आप लोग ये बताओ, एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? देखो ध्यान से, सिंस En इज इक्वल टू, क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है आपका क्या? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एनी एटम, है कि नहीं? ठीक है, यहां पर n क्या होता है? जिस स्टेट में है वो, और z क्या होता है? उस एटम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, मुझे निकालना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ना, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप बताओ, यहां पर E1 इज इक्वल टू, आप बताओ, -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। अब क्योंकि ये हीलियम एटम है तो यहां पर z की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, 2 का स्क्वायर, तो ये बताओ कितना हो गया? -13.6 इंटू 4, तो ये कितना हो गया आपके पास? 4 2 12, और ये 4 1, और ये हो गया आपका -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, ये जो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का ना इन हीलियम एटम। तुम तो पहले ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ना एनर्जी, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा, ठीक है, उसके पास कितनी एनर्जी होगी वो हम निकालते हैं ना इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पे कितनी एनर्जी होगी एक इलेक्ट्रॉन के पास, वो ये निकली है ना। लेकिन एक्चुअली में भले हम रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं मान रहे हैं, लेकिन यहां पर हीलियम एटम में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ठीक है, तो एक्चुअली में तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में? हम इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज गिवन बाय, मान लो वो आपका ई डैश है, ठीक है, तो वो क्या होगा? इसका डबल, मतलब मैं बोल दूं 2 इंटू E1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -54.4
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? तो ये होगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, मैं एक बार आपको और बता देता हूं, ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब भी अपन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एनर्जी का, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी मिलती है, जैसा आप एन की वैल्यू पुट करते हो, लेकिन वो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आती है, है कि नहीं? तो यहां पर उसने हीलियम एटम बोला है ना, हीलियम प्लस तो नहीं बोला है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हीलियम एटम बोला है उसने, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन का निकाला हमने एनर्जी, इंटू टू कर दिया हमने, सिंपल आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो यह था आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 20, है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़े हम लोग, यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। यूजिंग बोहर मॉडल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट। अपन को बोहर मॉडल का इस्तेमाल करके अपन को इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, ठीक है, क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हाइड्रोजन एटम है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो कितना करंट वहां पर पोजेस करेगा, वो अपन को निकालना है यूजिंग बोहर मॉडल। ठीक है, आप बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन कितना करंट पोजेस करेगा वो निकालना है ना, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो आप बताओ, देखो क्या आप लोग को पता है करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? सिंस करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है कि नहीं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। यहां पर हम चार्ज क्या लेंगे, ई लेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा, ई होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर टाइम लेता हूं, टाइम पीरियड, ठीक है, तो मैं इसको कैपिटल टी बोल दूं, भाई टाइम तो हम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने टाइम पीरियड ले लिया, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर आप बताओ टाइम पीरियड मतलब एक रिवोल्यूशन का टाइम टेकन, तो आप बताओ एक रिवोल्यूशन का अगर आपको टाइम निकालना है, तो एक रिवोल्यूशन का आप डिस्टेंस लोगे, दैट इज सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr, है कि नहीं? और उसमें स्पीड जो होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की, वो तो ये देखो क्या होगा आपका 2πr, लेकिन r किसका लोगे, वो ग्राउंड स्टेट का, मतलब जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस लोगे ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको अपन r नॉट बोल दें क्या हम लोग, या एक काम करो r1 बोल दो, बेटर रहेगा, है कि नहीं? अपॉन वीना, है कि नहीं? यहां पर वेलोसिटी भी किसकी होगी आपकी, पहले वाले ऑर्बिट की, तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, v1 बोल दिया मैंने। तो ये देखो टाइम टेकन कितना होगा, सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड, तो इसको ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा ev1 अपॉन 2πr1, ठीक है, 2πr1, है ना? तो ये हो जाएगा आपका करंट की वैल्यू। अब आपको क्या करना होगा, आप लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूले में आप यहां पर ये v v रख देना, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, वही n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, तो वहां पर n की जगह 1 रख देना, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में वेलोसिटी, ग्राउंड स्टेट का रेडियस जब आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो वहां से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर आप यहीं पर छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर I की वैल्यू आपकी होगी ev1 अपॉन 2πr1, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट बाय द इलेक्ट्रॉन, सिंपल क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब ध्यान देना आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहां पर सुनना। देखो शो दैट फर्स्ट फ्यू फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट दैट इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल टू द nth लेवल फ्रॉम लेवल
हायर देन एन, ठीक है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है एनथ लेवल पे, ठीक है, फ्रॉम हायर ऑर्बिट, है कि नहीं, ठीक है, मतलब डेस्टिनेशन जो है ना वो एन है, ठीक है, चलो, आर अप्रोक्सीमेट हार्मोनिक्स दैट इज इन द रेशियो 1:2:3, मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होगा जब इलेक्ट्रॉन फॉल होगा फ्रॉम हायर लेवल टू एनथ ऑर्बिट, ठीक है, हायर लेवल टू एनथ ऑर्बिट पे जब फॉल होगा इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वहां पर उनके फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होगा वो 1:2:3 एंड सो ऑन होगा, ऐसा अपन को प्रूव करना है, ठीक है, और यहां पर एजम्पशन है व्हेन एन इज मच मच ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो एन की वैल्यू वन से बहुत ज्यादा होगी, ऐसा एज्यूम करना है अपन को, ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर एक बात बताओ, एनथ ऑर्बिट में फॉल कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप बताओ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताओ, एन प्लस वन से फॉल हो सकता है, एन प्लस टू से फॉल हो सकता है, एन प्लस थ्री से फॉल हो सकता है, हाँ है ना, मतलब एन से हायर वाले से फॉल होगा एन पे, ठीक है, चलो तो उसके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, चलो ध्यान देना आप लोग, यहां पर आप ये बताओ, देख के सिंस वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है ना, वन अपॉन वेवलेंथ इक्वल टू आर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये एन वन क्या होता है जहां पर फॉल हो रहा है, ये एन टू क्या होता है जहां से फॉल हो रहा है कि नहीं, मतलब ये एन टू हायर होगा और एन वन जहां पर फॉल हो रहा है, ये है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनाया ना, ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर ध्यान देना, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, तो आप बताओ, सिंस न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है क्या, है कि नहीं, तो आप बताओ न्यू बाय सी इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा होगा ना, तो क्या मैं वन अपॉन लैम्डा को न्यू बाय सी लिख दूं, ठीक है, और क्या करने वाला हूं मैं, एन वन को मैं एन लिखूंगा मैं, क्योंकि nth ऑर्बिट पे फॉल हो रहा है, ठीक है, और ये जो n2 है वो हायर होना चाहिए, है ना, तो हायर में क्या लिखूंगा मैं, अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, ये देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, वन अपॉन लैम्डा को लिख दिया न्यू बाय सी इज इक्वल टू रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू वन अपॉन जो n1 है उसको मैं लिख दूं n स्क्वायर, मतलब n1 को n लिखूंगा मैं क्योंकि nth ऑर्बिट पे फॉल हो रहा है, ठीक है, माइनस वन अपॉन, अब कहां से फॉल हो रहा है, हायर ऑर्बिट से फॉल हो रहा है, हो सकता है वो n प्लस वन हो सकता है वो n प्लस टू हो सकता है वो n प्लस थ्री हो, तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो n प्लस pth ऑर्बिट से फॉल हो रहा है, तो उसका स्क्वायर होगा ना, ये है ना, मतलब n से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने वो n प्लस p बोल दिया, अब ये p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है, अच्छा n2 चल रहा है z स्क्वायर को इसलिए लेके चलना पड़ेगा बिकॉज उसने बोला तो है नहीं कि हाइड्रोजन आइटम है कि मैं z की वैल्यू 1 पुट कर दूं, ठीक है, तो लेके चलना होगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर न्यू इक्वल टू सी को ऊपर इंटू कर दो तो ये हो जाएगा आर सी, जेड स्क्वायर को भी यही लिख दूं चलेगा, ठीक है, अब देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं अपन, ध्यान देना, वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन, यहां से आप एन कॉमन लोगे तो एन स्क्वायर बाहर आएगा, तो वन प्लस पी बाय एन होल पावर टू रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कॉमन लेने में, ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर
न्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा आर सी जेड स्क्वायर, ये देखो ध्यान से, वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिख सकते हैं, वन प्लस पी बाय एन होल पावर माइनस टू, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है। अब बताओ ये n की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, तो ये जो p बाय एन आएगा, ठीक है, वो n से ज्यादा आएगा, मतलब सॉरी p बाय एन जो है वो 1 से बहुत ज्यादा होगा, तो 1 प्लस समथिंग, और वो समथिंग अगर 1 से ज्यादा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग यहां पर, तो आपको पता होगा उस केस में ये माइनस टू आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स होता है अगर ये एक्स बहुत छोटा हो किससे, 1 से, है कि नहीं, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर, तो यहां पर पावर चुपचाप आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स में, तो अब देखो ध्यान से, इधर देखो, न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, वन, ये माइनस टू मल्टीप्लाई हो गया, माइनस टू पी एन होगा ऐसा, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर न्यू इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर, अब आपको साफ दिख रहा होगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वन बाय एन स्क्वायर नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, मतलब वन बाय एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2p अपॉन, ये हो जाएगा क्या आपका n क्यूब, है कि नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर इधर ध्यान देना, यहां पर ये r कांस्टेंट, c कांस्टेंट, z कांस्टेंट, n कांस्टेंट, n कांस्टेंट क्यों, क्योंकि nth ऑर्बिट पे ही फॉल होना है, फिक्स है ये, तो इसका मतलब ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, P के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो आप बताओ यहां पर देख करके, इधर ध्यान देना आप लोग, इधर देखो, therefore न्यू इज प्रपोर्शनल टू व्हाट, P, है कि नहीं, यहां पर जो न्यू होगा वो प्रपोर्शनल टू P होगा, और आप बताओ कि P की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है कि नहीं भाई, ये बताओ, n प्लस वन से फॉल होगा n पे तो p की वैल्यू 1, n प्लस टू से फॉल होगा n पे तो p की वैल्यू 2, है कि नहीं। तो आप बताओ अगर n प्लस वन से n पे फॉल होगा, ठीक है, तो वहां पर p की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है, फिर n प्लस टू से अगर n पे फॉल होगा तो p की वैल्यू 2 लेंगे, है ना, तो आपका न्यू 1 कितना आएगा जब p 1 होगा, न्यू टू कितना आएगा जब आपका पी टू होगा, न्यू थ्री कैसे आएगा जब आपका पी थ्री होगा, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा ना आपका। तो आप बताओ यहां पर आप बोलोगे ना कि सिंस पी इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ऑब्वियस ही बात है उन केसेस में अगर आप फ्रीक्वेंसीज निकालोगे और उनका रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो भी देयरफॉर न्यू वन इज टू न्यू टू इज टू न्यू थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1:2:3 एंड सो ऑन, ना है कि नहीं, ठीक है भाई। जो न्यू है वो पी के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और पी की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो है वो भी 1:2:3:4 एंड सो ऑन होता जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल सॉल्यूशन, है ना। थोड़ा दिमाग लगा यहां पर कि यहां पर उसने बोला है कि n की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मतलब यहां पर p के कंपैरिजन में n की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसलिए यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लग गया एक्सपेंशन में, ठीक है। बस वही थोड़ा सा आपको सोचना था, तभी हम देख पाएंगे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो पी पे कैसे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, तो जो रेशियोज आएंगे फ्रीक्वेंसीज की, ठीक है, वो पी के जो वैल्यूज पॉसिबल है उन्हीं के रेशियो में आ सकता है कि नहीं, ठीक है। चलो
तो ये हो गया आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, अब 23 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलता है, देखो ध्यान से आप लोग। यहां पर व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सो दैट इट कैन एमिट एन एच गामा लाइन इन बाल्मर सीरीज। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच एच गामा फोटोन। यहां पर दो सवाल है, ठीक है। पहले तो अपन को निकालना है कि मिनिमम एनर्जी कितनी देनी होगी। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सो दैट इट कैन एमिट एच गामा इन बाल्मर सीरीज। मतलब कितना मिनिमम एनर्जी दे उस हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट पे, ताकि वो उस लेवल पे पहुंच जाए ताकि जब वो डी एक्साइट हो तो वो एच गामा एमिट करे बाल्मर सीरीज का, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से आप लोग। यहां पर बाल्मर सीरीज में बेसिकली हम तीन लाइन की बात करते हैं, और वो होता है एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन और एच गामा लाइन, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, ये बताओ पहले, ये तो आपको पता ही होगा ना कि बाल्मर सीरीज तब मिलता है जब ट्रांजिशन होता है, मतलब डी एक्साइटेशन होता है फ्रॉम हायर टू एन इक्वल टू टू। एन इक्वल टू टू पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉल होगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट तो वहां पर बाल्मर सीरीज देखने को मिलता है अपन को, है कि नहीं। अब सुनना, उस बाल्मर सीरीज में बहुत सारी लाइन है कि नहीं, ठीक है। तो हम कहते हैं एच अल्फा उस लाइन को जब डी एक्साइट होता है फ्रॉम एन इक्वल टू थ्री टू टू, है कि नहीं। तो जब थ्री से टू पे आते हैं तो वहां पर जो लाइन मिलती है बाल्मर की उसे हम कहते हैं एच अल्फा लाइन, ठीक है। वहीं अगर फोर से टू पे आते हैं, ठीक है, तो उस समय जो लाइन मिलती है उसे हम कहते हैं एच बीटा लाइन इन बाल्मर सीरीज। वहीं अगर एन इक्वल टू फाइव से टू पे आते हैं, ठीक है, तो वहां पर मिलता है अपन को एच गामा लाइन, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोग को, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। जब ट्रांजिशन होता है एन इक्वल टू फोर, सॉरी एन इक्वल टू थ्री टू एन इक्वल टू टू, तो यह होता है एच अल्फा लाइन, ठीक है। वहीं अगर एन इक्वल टू फोर टू एन इक्वल टू टू पे होता है तो इसे कहते हैं एच बीटा लाइन, ठीक है कि नहीं, ठीक है। वहीं अगर आपका एन इक्वल टू फाइव से एन इक्वल टू टू पे आता है तो हम कहते हैं इसे एच गामा लाइन। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर मतलब आपको यह ध्यान रखना है, यह आपका एच अल्फा लाइन के लिए कंडीशन है, यह एच बीटा के लिए है और ये एच गामा के लिए है। मतलब अगर आप चाहते हो कि बाल्मर सीरीज में एच गामा मिले तो आपका ट्रांजिशन होना चाहिए, मतलब डी एक्साइटेशन होना चाहिए फ्रॉम फाइव टू टू, है कि नहीं, फाइव टू टू, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि कितना मिनिमम एनर्जी उस हाइड्रोजन एटम को दे ग्राउंड स्टेट पर जब वो है, ताकि जब वो डी एक्साइट हो तो वो एच गामा एमिट करे, है कि नहीं, ठीक है। तो मेरी बात को सुनना, मतलब यहां पर मुझे हाइड्रोजन एटम को वो एनर्जी देनी होगी ना, ताकि वो n इक्वल टू फाइव पर पहुंच जाए, ठीक है, उसको n इक्वल टू फाइव पर पहुंचानी होगी ग्राउंड स्टेट से, तब जाके वहां से जब डी एक्साइट होगा n इक्वल टू टू पर तो वो एच गामा लाइन एमिट करेगा बाल्मर सीरीज का, है कि नहीं। मतलब मुझे हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट से कहां पर पहुंचानी है, एन इक्वल टू फाइव पर पहुंचानी है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना आप लोग। देखो, टू एमिट एच गामा लाइन, ठीक है,
hydrogen atom should be at n equal to 5, hai ki nahi? And for that, energy given is equal to E5 minus E1. ये इतनी एनर्जी देनी होगी ना उसको, है कि नहीं? मतलब मुझे 5 तक पहुंचानी है ग्राउंड स्टेट से, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, ग्राउंड स्टेट और जो फिफ्थ स्टेट है उनमें जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी दोगे आप, तब जाकर के वो हाइड्रोजन एटम कहां पर पहुंचेगा, n इक्वल टू 5 पे, और वहां से अगर वो डी एक्साइट होगा टू n इक्वल टू टी, तो एच गामा मिलेगा ना अपन को, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग यहां पर देखो, अब E5 क्या होगा आपका हाइड्रोजन एटम के लिए, देखो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ -13.6 अपॉन यहां पर 1 स्क्वायर होगा ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर जेड की वैल्यू अपन ने 1 मानी है बिकॉज हाइड्रोजन एटम है, ठीक है? चलो तो यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना आप लोग यहां पर, ये देखो E is equal to ये हो जाएगा -13.6 अपॉन 25, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, देखो ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका 13.6, अब ये सॉल्व करते हैं अपन, कितना होगा ये माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.136 मतलब 25 × 5 = 625, तो ये हो जाए सॉरी 25 × 5 = 125.5, तो 125 मतलब कितना 6 × 5 = 11 = 110 मतलब 0.54 होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो -13.6 / 25 = -0.54 + 13.6, तो यहां पर आंसर आएगा आपका 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी दोगे हाइड्रोजन एटम को जब वो ग्राउंड स्टेट पे है, तब जाके वो पहुंचेगा n इक्वल टू 5 पर, ठीक है, और वहां से जब डी एक्साइट होगा टू n इक्वल टू 2, तब जाकर के वो बालवर सीरीज का एच गामा लाइन एमिट करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले सवाल का जवाब, ठीक है, अब इसका जो दूसरा सवाल है वो एक बार देखते हैं, आओ, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच एच गामा फोटोन, मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है एच गामा फोटोन का, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है, आप बताओ जब वो 5 से 2 पे आएगा तो एच गामा एमिट करेगा ना, और वो फोटोन एमिट करता है ना, मतलब वो होगा एच गामा फोटोन, हा या ना, मतलब 5 से 2 पे आएगा तो वो आपका एच गामा लाइन एमिट करेगा, मतलब वहां पर जो फोटोन होगा उसे हम बोलेंगे एच गामा फोटोन, ठीक है, तो उस फोटोन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ठीक है, अब जरा दिमाग लगाओ, ठीक है, आप बताओ n इक्वल टू अगर आपका 5 है तो वहां पर उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज गिवन बाय nh अपॉन 2 पाई, उसमें n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे हम लोग, तो आप बताओ आपका n इक्वल टू 5 पे कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, 5h/2π, ठीक है, जब वो डी एक्साइट होकर 2 पे आ जाएगा तो आप बताओ कितना होगा उसके पास एंगुलर मोमेंटम, 2h/2π, तो ये जो डिफरेंस आया एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम किसका होगा, फोटोन का होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम का डिक्रीमेंट आया है, ठीक है, वो एक्चुअली में फोटोन का बन गया है एंगुलर मोमेंटम, कहीं और वेस्ट नहीं हुआ है कि नहीं, तो हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एच गामा फोटोन इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम
एट एन इक्वल टू 5 एंड एट एन इक्वल टू 2, है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर, इधर देखो, यहां पर ध्यान देना, सेकेंड पार्ट का आंसर दे रहा हूं मैं आपको. सिंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, देयरफोर एंगुलर मोमेंटम ठीक है ऑफ एच गामा फोटोन इज इक्वल टू, क्या होगा आपका एंगुलर मोमेंटम एट एन इक्वल टू 5, तो ये बताओ क्या होगा वो आपका 5h/2π, ठीक है, माइनस एंगुलर मोमेंटम एट एन इक्वल टू 2 ना, क्योंकि 5 से 2 पे ट्रांजिशन हुआ उसका, ठीक है, तो ये देखो आपका कितना होगा 2h/2π, ठीक. तो यहां पर देखो 5h/2π माइनस 2h/2π इज 3h/2π, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर देखो आप, यहां पर h की वैल्यू पुट कर लो, 3 × ये हो जाएगा 6.6 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 10^-34. एक काम करो, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, थ्री इंटू 6.6 इंटू 10^-34, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 2 × π की वैल्यू 22/7 कर लें, तो 22/7, ठीक है, तो यहां पर देखो, इधर देखो मैं आंसर निकाल रहा हूं, यहां पर कितना होगा, यहां पर इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, कैंसिल होकर कितना 3.3 × 3, तो 9.9 × 7/22 × 10^-34, ठीक है ना? तो अब देखो यहां से कितना होगा, ये 7 × 9 ये हो गया आपका 63.69/22 × 10^-34, ठीक है, तो यहां पर आप कैंसिल करोगे, कितना आएगा आपके पास 22, 3, 66 और 3, 3, तो 3.1 के आसपास आएगा, तो ये हो जाएगा 3.1 × 10^-34, और इसका यूनिट होगा जूल सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ एच गामा फोटोन, ठीक है. सिंपल सी कहानी यहां पर ये थी कि आपका एंगुलर मोमेंटम फिफ्थ ऑर्बिट पे होगा, सेकंड ऑर्बिट में होगा, और सेकंड ऑर्बिट में कम होगा फिफ्थ वाले से, तो वो जो डिफरेंस है एंगुलर मोमेंटम का वो कहां गया, वो फोटोन के पास चला गया, ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एच गामा फोटोन. तो यहां पर अपना कंप्लीट होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है. तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखने हो तो आपको सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, ठीक है, वहां पर ऐसा आपको इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है. फिर जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना हो वो सब्जेक्ट्स आप यहां पर सर्च करें. सपोज करो आपने फिजिक्स सर्च किया तो आपको यहां पर ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपको जो भी सीरीज देखनी है, चाहे एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, या कॉन्सेप्ट वीडियो देखने हो, ठीक है, तो सपोज करो कि आपको एग्जाम्पलर देखना है तो आप यहां पर क्लिक करें. जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसा उसका पूरा चैप्टर दिख जाएगा. फिर जो भी आपको चैप्टर यहां पर पढ़ना है उसको क्लिक करें और ऐसा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो सिंपल. एंड एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है ना, जहां पर सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे हिंदी मीडियम में. तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो हिंदी मीडियम में हैं, उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनको कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी उनका बेनिफिट ले पाए. एंड बस मैं अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए, ठीक है. थैंक यू.